आपसे हम अब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लाइए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। मुझे भारत के संविधान पे, भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है, और यही कारण है इतने सारे अखबारों में, इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित की, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, सब लोगों ने। मेरा खाता भी फ्रीज कर दिया गया, उसमें जो है 42 लाख रुपया मिला है। कमाल की बात यह है कि 42 लाख रुपया के लिए आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कहीं भी किसी भी स्टेट का पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, और उसमें भी 42 लाख रुपया घर में नहीं पाया गया, 42 लाख रुपया खाता में मिला है। खाता से तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक रहता है, खाता से तो जो है पैसा आ रहा है और उसपे जो है टैक्स जा रहा है, सबको पता है। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बिहारी पड़ेगा सब पर भारी, ये कहावत सच होगा या शिकंजा और कसा जाएगा? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मशहूर बेटे कहे जाने वाले मनीष कश्यप की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मनीष कश्यप सिर्फ चंपारण के ही लाल नहीं, पूरे बिहार के उम्मीद बन चुके हैं, लेकिन आज मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे जेल में रखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। तो जी हाँ, अब देखना यह होगा कि मनीष कश्यप को उच्च न्यायालय ने क्या फैसला देता है। आपसे हम अब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लाइए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। तो वहीं पर आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के तरफ से लड़ने वाले वकील ने साफ साफ दावा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पे जो NFC लगाया गया है उसे हटाना पड़ेगा, और हम लोग मिलकर मनीष कश्यप को बहुत ही जल्द जेल से रिहा कराएंगे। जिम्मेदारी को निभाऊंगा, NFC बहुत जल्दी हटा दूंगा। मनीष कश्यप पर NFC नहीं लगता, नहीं लगेगा, नहीं लागू होगा। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NFC का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की संकट वैसे ही गंभीर है, और वहीं पर उनके ऊपर FIR पे FIR होता जा रहा है। तो जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु जेल में है, लेकिन उनके ऊपर एक और FIR दर्ज कर दिया गया। तो दोस्तों इसको लेकर क्या कुछ कहा मनीष कश्यप की मम्मी, जी हां आप भी देखिए। हम जानती जेहत ना हुई तो हम ना जाए देते, हमारे घर ले तोड़ दी तो कहो हम ना जाए देते इतना बेटा के, लेकिन हमारे बेटा से जे इतना घतमराई कोई बस एक पूर्ण पड़ी, जितना हमारे आँख से लूर गिरा था उतना आँख से खून गिरी एकदम गिरी। तो खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमिलनाडु विवाद को लेकर, तो क्या सच में मनीष कश्यप दोष है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।